तो अभी बस ट्रेन से सफ़र करके दिल्ली पहुंच गए। थोड़ा बाहर गया था मैं चाय वगैरह लेने के लिए, वापस जा रहा हूँ निज़ामुद्दीन स्टेशन के अंदर ही। फिर मेरी जो अगली ट्रेन है वो तो पुरानी दिल्ली से है, लेकिन वो रात के वक्त में है, तो अभी पूरा दिन है यहाँ पर मेरे पास। तो अब थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर मैं अपनी एडिटिंग जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, बिकॉज फिर उसके बाद दूसरी जर्नी शुरू हो जाएगी और बैक टू बैक ब्लॉग्स जो है वो मुझे अपलोड करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग मैं क्यों शूट कर रहा हूँ, तो ये मेरी सीरीज़ है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कश्मीर या फिर स्पेसिफिकली कहूँ तो श्रीनगर कैसे पहुँच सकते हो। तो अभी मैं आ चुका हूँ दिल्ली, कल मैंने ट्रेन ली थी गुजरात संपर्क क्रांति जो खुद ऑलमोस्ट 4 घंटा लेट हो गई। अभी वापस से मेरी जो ट्रेन है वो होगी कटरा तक, जो रात को पुरानी दिल्ली से निकलने वाली है। अभी पूरा दिन है जैसे मैंने बताया, तो एडिटिंग कंप्लीट करते हैं, अपलोड करता हूँ ब्लॉग। जो भी ब्लॉग्स हैं वो आप बैक टू बैक देखते ही जाओगे। यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर रेल फेनिंग करेंगे, ट्रेन स्पॉट करेंगे। अगर आपको ट्रेन पसंद है ना तो आप रेलवे स्टेशन पर घंटों बिता सकते हो मेरी तरह। मुझे तो मतलब पूरा पता ही नहीं चलता कि कब पूरा दिन निकल जाता है, और कई बार होटल्स में ही नहीं है, पूरा दिन स्टेशन पर ही बिता दिया है। चलिए एडिटिंग करता हूँ, आपको थोड़ा टाइम लैप्स दिखाता हूँ, तो फिर आगे। तो कई लोगों का सवाल है कि मैं वीडियो एडिट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। गाइज ये पेड प्रमोशन नहीं है, बिकॉज मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि एडोबी मुझे प्रमोट करने के लिए चूज़ करेगा। तो ये वाला एक एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ एडोबी प्रीमियर रश फॉर वीडियो। ये सिर्फ और सिर्फ iOS में काम करता है अभी के लिए, हो सकता है फ्यूचर में इसका एंड्रॉयड वर्जन भी आए। अभी मेरे पास जो डिवाइस है वो है iPad 9th generation, और इसमें ये अच्छे से काम करता है। तो जितनी भी मैं वीडियो शूट करता हूँ, चाहे वो मेरे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग हो या ट्रैवल के ब्लॉग, वो सारे के सारे इसी सॉफ्टवेयर से मैं शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ। चलो जी, एडिटिंग और अपलोड डन फॉर गुजरात संपर्क क्रांति। अब जो सेंट्रल रेलवे की राजधानी है वो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, उसको देखने के लिए जाते हैं। राजधानी का अराइवल हो तो देखने का मज़ा अलग ही होता है। और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि अब ट्रेन का जो शेड्यूल टाइम है वो शुरू हो चुका है। कई सारी ट्रेन जो है वो आप यहाँ पर देखिए आज लेट चल रही है, सभी का यही सीन है बिकॉज ऑफ फॉग ऑफकोर्स। मुझे ना ट्रैवल करते वक्त ज़्यादा सामान अपने साथ पसंद नहीं, और ये पहली बार मैं ये ट्रॉली बैग लेके आया हूँ साथ में। अदरवाइज़ यू नो नॉर्मल जो बैग होता था ना वही मैं अपने साथ कैरी करता था, कपड़े वपड़े सब आ जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, लंबा निकला हूँ, 9 दिन तक ट्रैवल करना है, तो इसी वजह से ये बैग कैरी की हुई है। बहुत अजीब लग रहा है यार, क्योंकि काफ़ी टाइम तक अगर आप फ्री हैंड ट्रैवल करते हो और अचानक से आपके हाथ में उतना बड़ा बैग घुमा दिया जाए ऑकवर्ड हो जाता है। ऑकवर्ड तो नहीं, मतलब कम्फर्टेबल फील होने लगता है। ये लीजिए जी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गई हमारी भुजपुर राजधानी एक्सप्रेस, जो कि CSMT से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलती है। हिंदी में अगर अनुवाद करो तो खिंच धक्का राजधानी एक्सप्रेस। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे भी एक लोकोमोटिव होता है और पीछे भी। और ये ट्रेन भी अपने तय समय से 3 घंटा 25 मिनट लेट आई है, तो फिर अब क्या ही कह सकते हैं कि अगर नॉर्मल कोई भी ट्रेन 4 या 5 घंटा लेट हो जाए। इस राजधानी में मैंने 2 बार सफ़र किया है और दोनों बार 3rd AC में ट्रैवल किया था, बट इस ट्रेन के 1st AC में एक बार मुझे ट्रैवल करना है, बिकॉज मैंने सुना है इसका जो कैटरिंग सर्विस है उसका खाना बहुत बढ़िया मिलता है। लेट्स सी, अगर कभी मौका मिलता है तो ज़रूर से 1st AC में ट्रैवल करेंगे। और फिर दिल्ली आकर अगर छोरे कुलचे नहीं खाए तो भाई साहब क्या ही फ़ायदा, यहीं स्टेशन के बाहर ही मिल जाते हैं। एक पुरानी दिल्ली, मुंबई में ना दिल्ली के मुकाबले लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना कंपेरेटिवली काफ़ी इजी है, लेकिन दिल्ली में भी कुछ रूट्स हैं स्पेशली जहाँ से रेलवे स्टेशन कनेक्ट होते हैं, वहाँ के लिए आप ट्रेन टिकट जो है लोकल वाली वो बुक कर सकते हैं। तभी मुझे जाना है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो इसीलिए मैंने एक अनरिजर्व टिकट बुक की है।
और ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है दोपहर 3:45 पौने 4 का है। और अगर आपकी ट्रेन आने में वक्त है तो स्टेशन पर आपको ऐसे वेटिंग हॉल मिल जाएंगे, कुछ एसी वेटिंग हॉल होते हैं जिसकी कॉस्ट रहती है, और कुछ स्लीपर वाले होते हैं जैसे ये है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, बस आपको आपकी टिकट दिखानी होती है। जो एसी वाले होते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है पर घंटा 10 रुपये के हिसाब से रहती है। चलो बाय बाय निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, अंटिल नेक्स्ट टाइम। और अभी अपन ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई लोकल जैसी दिखने वाली, इनफैक्ट वही है, बस WR या CR की जगह पर NR लिखा हुआ है, इन शॉर्ट लोकल ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली बिलासपुर, मतलब बिलासपुर राजधानी। मुंबई लोकल की पता है खास बात क्या होती है, उसमें जो भीड़ भड़कता होता है ना, वो ये वाली लोकल में तो कोई है ही नहीं। मानो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, और दिल्ली में वो भी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त एक चीज़ का खास ध्यान रखना होता है कि फ़ोन ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, ब्लॉगिंग सेकेंडरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज फ़ोन रहेगा तो ही ब्लॉगिंग हो पाएगी, फ़ोन स्नैचिंग हो जाती है मतलब यहाँ पर। मुंबई नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, अभी जस्ट हमने तिलक ब्रिज क्रॉस किया है और दुरंतो एक्सप्रेस हमें मिल गई हमारे पैरेलल में। लग तो ऐसा रहा है कि इससे पहले ही हम दिल्ली के अंदर एंटर कर जाएंगे, और इस दुरंतो में जनरल का भी डिब्बा लगता है, तो अगर आप जनरल में भी ट्रैवल करना चाहें ना तो कर सकते हैं, बट ऑफिस कैटरिंग सर्विस वो सब नहीं होता, जनरल का कोच होता है उसकी टिकट भी आप ले सकते हैं इस दुरंतो में। भाई साहब पीछे छोड़ दिया हमने दुरंतो को, ये अभी भी यहीं खड़ी है और हमें हमारी ट्रेन को डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, गजब भेज दिया भाई साहब। सामने देख रहे हो वंदे सातरण या फिर अमृतकाल जो भी इस ट्रेन का नाम है, फिलहाल वो ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। ट्रायल रन से क्या है पता नहीं यार, नई दिल्ली से निकल के आगे इससे देखने को मिले ना, थोड़ा क्लोजली देखते हैं। फिर अभी तो नई दिल्ली एंटर कर रहे हैं हम लोग, सामने के प्लेटफॉर्म पर 14 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आप देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है भाई साहब, इस तरफ के प्लेटफॉर्म पर भी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अच्छा नॉर्मल बात है बिकॉज इस टाइम पर ना हर तरीके की और हर जगह की गाड़ी के लिए शेड्यूल्ड होता है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और हम लोग आए प्लेटफॉर्म नंबर 6। ये है दिल्ली का रश, क्योंकि लोकल ट्रेन्स के लिए नहीं, मेल सुपरफास्ट या फिर प्रीमियम ट्रेन्स के लिए लगता है। तो सारा रश इस ट्रेन का है, देखते हैं कौन सी है। पश्चिम एक्सप्रेस अमृतसर मुंबई, और जनरल के हाल देखो, और ये भाई साहब वंदे साधारण एक्सप्रेस, पर अभी तो इसका नाम अमृत भारत एक्सप्रेस ऐसा कुछ रखा गया है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है किसको अलाउट हुई है। वैसे लिखा तो इस पर ईसी है, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे को अलाउट होने वाली है। अच्छा रूट क्या होगा आई डोंट नो। ट्रेन की खास बात यह है कि इसके अंदर भी पीछे और आगे वंदे भारत की तरह लोकोमोटिव होते हैं, लेकिन वंदे भारत में लोकोमोटिव नहीं होता, इसमें लोकोमोटिव है। और अब इधर आ रही है तेजस राजधानी एक्सप्रेस, मुंबई दिल्ली होगी, नहीं राजेंद्र नगर नई दिल्ली, मतलब नई दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना राजधानी। अभी इस तरफ है ना तो मुझे लगा कि मुंबई वाली होगी, बट ये है राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस।
ओ भाई साहब, ये ट्रेन देख के तो दिल खुश हो गया। स्वर्ण जयंती राजधानी नई दिल्ली अहमदाबाद। अब जिनको पता है उनको पता है क्यों इतनी स्पेशल है मेरे लिए ट्रेन। अगर आप मुंबई लोकल में ज़्यादा ट्रैवल करते हो और फिर इस ट्रेन में अगर आकर ट्रैवल करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा बोर होने वाले हो। बिकॉज मुंबई लोकल होती है ना, वो कैसे धड़ाधड़ स्टेशन कवर करती है। हमें नई निज़ामुद्दीन से निकले हुए इतना टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक हम पुराने दिल्ली नहीं पहुँचे। और ये फ़िलहाल में मैक्सिमम स्पीड है तो ये ट्रेन चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। तो जी, पहले अहमदाबाद से हज़रत निज़ामुद्दीन, अब हज़रत निज़ामुद्दीन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब मुझे यहाँ से लेनी है अपनी ट्रेन जम्मू मेल, जो कि रात को 8 बजे के बाद यहाँ से निकलेगी। तो अगले ब्लॉग में हम करने वाले हैं प्रॉपर ट्रेन जर्नी, और उसका ब्लॉग बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँगा, चेंज करूँगा थोड़ा, तो वेटिंग रूम में जाके, और मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।